फूड सेफ्टी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी मीन्स साफ़ सुथरा, साफ खाना खाना, पानी पीना। और ये ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट इम्यूनो सप्रेशन मेडिकेशंस पर रहता है, जो कि किडनी के रिजेक्शन को रोकते हैं। और यह मेडिकेशंस हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डाउन करता है, और जब शरीर की इम्यूनिटी डाउन होती है तो इन्फेक्शन शरीर में बहुत जल्दी होता है। कई तरीके के बैक्टीरिया हैं जो फूड बोन डिसीजेज कह सकते हैं, और मेनली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ईकोलाई, सैल्मोनेला इन्फेक्शन, लिस्टीरिया इन्फेक्शन। और फूड बोन इन्फेक्शन या फूड कॉन्टमिनेशन किसी भी स्टेज पे हो सकता है, राइट फ्रॉम जहाँ से आप फूड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि जहाँ सब्जियाँ उग के आ रही हैं, दूसरा जब आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तब, जब आप धोते हैं तब, और जब आप प्रोसेस करते हैं तब। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि फूड बोन इन्फेक्शन कई बार सिवेयर हो सकता है। सबसे पहले आइडियली किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड हॉट कुक्ड फूड खाना चाहिए। तो जो किचन में अभी अभी गर्म बना है वो सबसे सेफ रहता है। जो ऐसे फूड जो बच गया है, जैसे सुबह का बचा हुआ या रात का बचा हुआ, अगर वह तुरंत फ्रिज में रख दिया जाता है तो उसको खाया जा सकता है, लेकिन अगर यह काफ़ी देर तक नॉर्मल टेम्परेचर में पड़ा हुआ है तो उसको खाना सेफ नहीं रहेगा। रॉ वेजिटेबल्स या रॉ मीट, ये खाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो रॉ वेजिटेबल्स वगैरह खाने से हमें बचना चाहिए। वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, और ये फ्रेश होने चाहिए। पुराने फ्रूट्स, अगर ऐसा कोई भी डाउट है जिसमें अगर वह ख़राब है तो हमें नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज से निकाल के फूड ले रहे हैं तो उसको दोबारा से हीट करके खाएं, तो और उसको स्टीम्ड हीट करना चाहिए, ताकि हीट करने पे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और रेफ्रिजरेटर फूड हीट करने के खाने से फूड बोन इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर आप खाना गर्म खा रहे हैं तो एटलीस्ट मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या फ्रेश हॉट होना चाहिए। अगर मान लो खाना खाने के बाद आप थोड़ा देर बाद खा रहे हैं, तो जैसे ही ठंडा हो उसको तुरंत रेफ्रिजरेटर में रख दें, और जब आप खाना खाने के लिए फूड निकालें तो दोबारा से उसको हीट करके खाएं। कोल्ड फूड जैसी चीज़ें जो ठंडी रूप में खाई जाती हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया और डिफरेंट चीज़ें हो गई, तो वह लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर्ड होनी चाहिए। और स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि फ्रेश होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अपना फ्रिज हमेशा साफ़ रखें, रेगुलर क्लीन करते रहें, डर्ट ना इकट्ठा होने दें, और फ्रिज का टेम्परेचर हमेशा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखें, ताकि कोई भी बैक्टीरिया पनप ना पाए। कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड में पनपते हैं, तो यह ज़रूरी है कि फ्रिज का टेम्परेचर प्रॉपरली सेट करके रखें। अगर आप रेडी टू ईट फूड खा रहे हैं, जैसे कई बार फ्रोजन डेजर्ट होते हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स या फ्रोजन आजकल फूड आ रहे हैं, तो जब ये फ्रोजन फूड खाते हैं तो इसको रूम टेम्परेचर पर थॉ होने के लिए न रख दें। कि कई बार क्या होता है, हम फ्रिज से निकाल के रख देते हैं और वो फिर एक घंटे डेढ़ घंटे में वो धीरे 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 करके गर्म होता है तब खाते हैं। ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी इस टाइप के फ्रोजन फूड खाएं आप, तो उसको रैपिडली उसको थॉ करें, जल्दी से जल्दी रूम टेम्परेचर लाएं, या तो माइक्रोवेव में रख सकते हैं और उसको प्रॉपर हीट कर ही खाएं। आपकी जो किचन नाइव्स हैं, किचन अप्लायंसेज हैं, जो कि रॉ फूड को हैंडल करती हैं, जो वेजिटेबल्स काटती हैं, फ्रूट्स काटती हैं, उसको रेगुलरली क्लीन करें। ऐसा ना हो कि आप वेजिटेबल्स काटते हैं और फ्रूट्स काटे और उसको बिना धोए आपने रख दिया। तो किचन में क्लीनलीनेस बना के रखें आप, किचन सरफेस क्लीन रहे, यूटेंसिल्स क्लीन रहे, आपके चाकू, मिक्सर, ग्राइंडर, सारी चीज़ें क्लीन रहें और प्रॉपर ड्राई स्टेप में रहें। अगर प्रॉपर फूड सेफ्टी फॉलो करना है तो आपके जो सारे अप्लायंसेज हैं वो भी पूरी तरीके से क्लीन और नॉन कॉन्टेमिनेटेड होने चाहिए। अगर आप पैक्ड फूड खा रहे हैं तो उसमें ज़रूर आप एक्सपायरी चेक कर लें, जिसमें आपको ने देखा होगा कई बार लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, बेस्ट बिफोर 1 मंथ, तो बहुत पुरानी चीज़ें ना लगें। ऐसा ना हो कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ लिखा है और 5-5.5 महीने हो गए हैं और आप खा रहे हैं। तो आप फ्रेश पैक्ड फूड खाएं, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये हो गई बेसिकली होममेड फूड के बारे में। कई बार जब ट्रांसप्लांट के 6 महीने 1 साल हो जाता है, आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो अगर ऐसा मौका लगता है कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। रेस्टोरेंट में आप सलाद, फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऑर्डर ना करें, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि आपको पता नहीं ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर से वॉश है या किस प्रकार के वाटर से ये सब्जियाँ उगाई गई हैं या फल उगाई गई हैं। आप रेस्टोरेंट में
सिर्फ हॉट फूड ही ऑर्डर करें जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, जो स्टीमी हॉट होते हैं। स्टीमी हॉट फूड जो होते हैं वो उससे बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। अगर आप नॉनवेज ऑर्डर करते हैं तो आप ध्यान रखें कि नॉनवेज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, कुक्ड और स्टीमी हॉट होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो नॉनवेज होते हैं या मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ये प्रॉपरली अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो इसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप घर पर हैं तो क्लीन वाटर आप ले सकते हैं, रेगुलर उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी भी वाटर सोर्स के बारे में डाउट है कि वो कंटेमिनेटेड हैं तो आप प्रॉपर उसको वाटर फिल्टर लगा के यूज करें या घर में आरओ सिस्टम लगाएं। आपको मिनरल वाटर बॉटल पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन होना ज़रूरी है। कंटेमिनेटेड वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ग्रॉसली वो दिख रहा है गंदा है और आप पानी पी रहे हैं, या आपके घर के आसपास काफ़ी गंदगी है, नाले हैं और वहाँ पे वाटर का सोर्स है, या कुएं से गंदा पानी आ रहा है। तो आपको यह देखना है कि वाटर क्लीन होना चाहिए, पैलेटेबल होना चाहिए, कॉन्टेमिनेशन नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप मिनरल वाटर पिए, बट अगर वाटर सेफ्टी की डाउट है तो बेटर है कि घर में आरओ वाटर लगवाएं। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में या तो आप वाटर बॉटल ऑर्डर कर सकते हैं, या तो सेफ रहेगा मिनरल वाटर ऑर्डर करना, अदरवाइज आरओ वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप किचन में स्वयं काम कर रहे हैं या अपना खाना खुद बना रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी ध्यान रखें। सबसे पहले यू शुड ऑलवेज इंश्योर कि आप हमेशा क्लीन किचन में एंटर करें। आपकी किचन की सरफेस, टॉप, सारे मशीनें, मिक्सर, ग्राइंडर, स्टोव के सरफेस सारे हमेशा क्लीन होने चाहिए। आप सरफेस डिसइंफेक्टेड भी यूज कर सकते हैं। किचन अप्लाइंसेस, नाइफ्स, ये सारे क्लीन होने चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट कटिंग वेजिटेबल्स एंड ऑल यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड। अपना 10 मिनट तक अच्छे से सोप से हैंड वॉश करें। जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको अच्छे से पानी में वॉश करें। वॉश करने के बाद ही उसको किक करें। कुक करने के बाद बेटर रहेगा कि उसको तुरंत ही खाएं। अगर नहीं खा रहे हैं तो ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें, और जब खाने के लिए दोबारा बैठें तो फिर से गर्म करके खाएं। यह इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स काटने के लिए अलग सरफेस होना चाहिए। अगर आप मीट वगैरह यूज कर रहे हैं तो मीट को काटने के लिए एक अलग सरफेस होना चाहिए। दोनों के किचन या नाइफ मतलब इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में बैक्टीरिया अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। और जब भी आप मार्केट से ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदें तो एक ऑथेंटिक प्लेस से ही खरीदें जहाँ पे क्लीनलीनेस का ध्यान रखा हो। सस्ते फ्रूट्स या सस्ते वेजिटेबल्स या पोल्ट्री या चिकन के चक्कर में आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट ना खरीदें। फूड सेफ्टी का स्पेशली ध्यान रखें। फूड बोन डिसीजेज़ के मेनी सिम्टम्स हैं। इसमें मोस्टली एब्डोमिनल पेन है, पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, उल्टी होती है, उल्टी जैसा फील होता है, डायरिया होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर फूड खाने के बाद आपको इस टाइप की चीज़ें हो रही, कई बार ये मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, तो तुरंत ही डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि फूड बोन डिसीज़ कई बार मुश्किल भी पैदा कर सकती हैं। और एज ए ट्रांसप्लांट पेशेंट बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स का फॉलो करें। और ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि उनको थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशियस होना है। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वीडियो में वह इम्पॉर्टेंट रूप से फॉलो करें। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट है तो आप यू कैन राइट टू मी ऑन माय ईमेल और सेंड मी अ व्हाट्सएप। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैं US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की फूड सेफ्टी कंपेनियन की एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है कैसे आप फूड को सेफली प्रोसेस कर सकते हो, कुक कर सकते हो और कैसे सेफली कंज्यूम कर सकते हो, और क्या क्या फूडबोर्न डिसीजेज होती हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। यह किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं दे शुड एटलीस्ट वंस गो थ्रू दिस बुक। थैंक यू।